सेकेंड लहर को हम बहुत बुरी तरह से देख चुके हैं। डॉक्टर अशोक सेठ हमारे साथ हैं, डॉक्टर एस के सरीन, बहुत धन्यवाद डॉक्टर सेठ। डॉक्टर सरीन नमस्कार आपका। डॉक्टर सेठ, एक दिन में पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, दिल्ली और जयपुर में कुल 21 केसेस, सर इसे कैसे देखते हैं और हम इससे कैसे बचें? सेठ साहब, मैं कहूंगा कि डराने वाली खबर नहीं है ये। वर्ल्ड इज अ बिग सिंगल सिटी, सोच लीजिए, और ये तो होना ही था, आना ही था। ये कॉशन की सिचुएशन है, प्रोएक्टिवनेस की सिचुएशन है। आफ्टर ऑल कोविड से बचना तो हमारे हाथों में ही है। हमने कई बार कह चुके हैं, दो ही चीज़ें हैं हमारे पास, वैक्सीनेशंस हैं जो कि हम कोशिश करें कि हमारी डबल वैक्सीनेशन हो, और हमारे पास मास्किंग, हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंसिंग है, जिससे कि हम बच सकते हैं। अब ये तो होना ही नहीं था कि नहीं आएगा जी। और मैं लोगों को डराना भी नहीं चाहता। सिर्फ डराना, अगर डराना चाहता हूँ तो इस बात से डराना चाहता हूँ कि आप बच सकते हैं, ये तो हमारे हाथों में है। हम तो अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, फॉलो करें, तो इन चीज़ों से बच सकते हैं। दूसरी बात एम्फेसाइज करना चाहता हूँ सर, कि इस हम किस बात से डर रहे हैं। ये वायरस इन्फेक्टिव ज़रूर है, ये वायरस देखा गया है कि शायद हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेज अगर एडिक्वेट नहीं है तो इन्फेक्ट कर सकता है, बट अब तक कोई एविडेंस नहीं है कि ये सिवियर है, ये खतरनाक है, ये हमें मार देगा, ये हम एडमिट हो जाएंगे, ये हमारी डेथ हो जाएगी, इसका कोई एविडेंस नहीं है। और ये भी कहूँगा, ये भी कहूँगा कि इसका एविडेंस हो सकता है कि अगले 2-3 हफ्तों में हो, बट जिस वायरस का सिर्फ हमें अभी स्ट्रक्चर पता है लेबॉरेटरी का, और क्लिनिकल स्टेटस हमें साउथ अफ्रीका से पता चल रहा है जी। तो भयभीत होने की जगह पे प्रिकॉशंस क्यों न ले, जो कि हमें रोज लेना चाहिए। वेरिएंट्स, आज ये ओमाइक्रॉन है, इसके बाद भी 1 महीने बाद और 2 महीने बाद और भी वेरिएंट्स आएंगे, और फिर हम बैठ के ये वार्तालाप करेंगे। बट हमारे हाथों में ही तो है आफ्टर ऑल प्रिवेंशन। अगर कुछ महीने और सबर कर ले, अब मैं देखता हूं कि मार्केट्स में कहीं भी आप जाइए बाहर, तो लोगों की कैलसनेस ज्यादा डेवलप हो गई है। जब हम कहते हैं कॉशियसनेस तो कैलसनेस होती है, जब हम कहते हैं प्रोएक्टिव तो पैनिक होता है। तो पैनिक और कैलसनेस से अच्छा तो है कॉशन और प्रोएक्टिवनेस। जी, तो आई टेल यू, एक ये भी है, गवर्नमेंट बड़ी सतर्क है, हमारे एक्सपर्ट्स बड़े सतर्क हैं, उन्होंने प्रोएक्टिवनेस कई दिन पहले से ले आई है। इसीलिए आप रोज पॉलिसीज देख रहे हो जो हमारे को प्रिवेंट करने के लिए, वो हमें डराने के लिए नहीं है, हमारे को प्रिवेंट करने के लिए हैं। तो इस बार आपको ये समझना चाहिए कि एक तरफ गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, मेडिकल एक्सपर्ट्स अपना काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है इस वायरस की। ठीक है।